Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So before we start, let me quickly introduce myself. My name is Taruna Sharma, an ICAR student from VNM KV Maharashtra. So आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लांट प्रोपेगेशन एंड प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर. इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर के 3 लेक्चर लिए थे, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स, इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let's start our lecture. The very first topic is propagation. Its definition. Plant propagation means पौधों का प्रसार. Propagation एक process है जिसमें हम parent plant से new plant का formation करते हैं, या फिर propagation process में parent plant material जैसे कि seed, cuttings, bulbs, leaf, रूट, इन सभी सोर्सेज से हम एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं और इसे प्रोपेगेशन बोलते हैं. प्रोपेगेशन करने के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो अब हम इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज सेक्सुअल प्रोपेगेशन. सेक्सुअल प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? जब मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट जैसे कि एग, जब ये दोनों मिलकर एक सीड प्रोड्यूस करते हैं और उस सीड से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसी मेथड को हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन बोलते हैं. और इसके एग्जांपल हैं वेजिटेबल क्रॉप्स. मोस्टली वेजिटेबल क्रॉप्स सेक्सुअल मेथड से ही प्रोपेगेट करती है, जैसे कि कैरेट, कॉलीफ्लावर, पी, रेडिश, टोमेटो एंड अनियन. इनके अलावा कुछ फ्रूट्स भी हैं जैसे कि पपाया, एसिड लाइम एंड कोकोनट. आफ्टर दिस द सेकेंड टाइप इज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड. इस मेथड में डायरेक्ट पॉलन ग्रेन और एग का जर्मिनेशन नहीं होता है, बल्कि पेरेंट प्लांट पार्ट को यूज करके न्यू प्लांट का जनरेशन होता है, जैसे कि स्टेम, रूट और लीफ. एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड में यूजुअली सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है और उसी पेरेंट के स्टेम, रूट या लीफ को यूज करके हम एक नया प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. और इसके एग्जांपल हैं रूट स्टेम कटिंग, बल्ब, कॉर्न, सकर एंड रनर. अब हम इन मेथड्स को और डिटेल में स्टडी करते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं. द फर्स्ट इज सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन. सेक्सुअल प्रोपेगेशन में प्लांट्स सीड से जर्मिनेशन करते हैं, जैसे कि एसिड लाइम, पपाया एंड कोकोनट. अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं. द फर्स्ट इज सेक्सुअल प्रोपेगेशन में मेल और फीमेल गैमेट के कॉन्टेक्ट से एक न्यू वेराइटी का इवोल्यूशन होता है, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं. और वो वेराइटी मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स को शो करती है. सो ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन का एडवांटेज है कि इसमें एक नई वैरायटी बनती है. द सेकेंड एडवांटेज इज कुछ प्लांट्स जैसे कि पपाया, इसमें सेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड पॉपुलर होता है और इसमें एसेक्सुअली प्रोपेगेशन नहीं होता है. थर्ड पॉइंट इज जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो सीड जर्मिनेट करता है और उस प्लांट का रूट स्टॉक हार्ड और बेटर डेवलपमेंट करता है. फोर्थ इज वायरस कभी भी सीड से ट्रांसमिट नहीं करते हैं, इसीलिए सेक्सुअल प्रोपेगेशन में वायरस डिजीज फ्री प्लांट का डेवलपमेंट होता है. फिफ्थ एडवांटेज इज सेक्सुअल प्रोपेगेशन से पॉली एम्ब्रोयनी मीन्स एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोस का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि सिट्रस, मैंगो. और ये एसेक्सुअल मेथड को रिजेंबल करता है. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन. द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज सीड्स जर्मिनेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल प्रोपेगेशन. सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि सेक्सुअल मेथड में जुवेनाइल फेज बड़ा होता है और प्लांट मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम लगाता है. सेकेंड डिसएडवांटेज इज
सेक्सुअल प्रोपगेशन में पॉलन और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू वैरायटी का डेवलपमेंट होता है और उस सीड में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं और प्रोजेनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ट्रू प्रोजेनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड डिसएडवांटेज कुछ ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे कि बनाना, उन प्लांट्स के लिए सेक्सुअल मेथड यूजफुल नहीं है और ये इसका डिसएडवांटेज है। द फोर्थ डिसएडवांटेज सेक्सुअल प्रोपेगेशन से पर यूनिट एरिया लेस प्रोडक्शन होता है और सभी प्लांट्स को मैच्योर होने में अलग अलग पीरियड लगता है और उनकी ग्रोथ भी अलग अलग होती है, इसीलिए उसे कल्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल प्रोपेगेशन। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट। अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं उनके लिए एसेक्सुअल मेथड बेस्ट है प्रोपेगेशन करने के लिए। द सेकेंड एडवांटेज इज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिंगल पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। वो प्लांट सिंगल पेरेंट से बना है इसीलिए उससे ट्रू प्लांट बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। थर्ड एडवांटेज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में जुविनाइल फेज एज कम्पेयर टू सेक्सुअल प्रोपेगेशन से छोटा होता है, इसीलिए प्लांट्स को मैच्योर होने में कम टाइम लगता है और प्लांट जल्दी से ग्रो कर जाता है। फोर्थ एडवांटेज है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका रूट स्टॉक हार्ड होता है वो बडिंग और ग्राफ्टिंग करने के लिए यूजफुल होते हैं और ये एसेक्सुअल टाइप का एडवांटेज है। फिफ्थ एडवांटेज ऐसे प्लांट्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो कुछ लिमिट तक ही ग्रो करते हैं, इसीलिए उन्हें कल्चर करना और हार्वेस्टिंग करना इजी होता है। सो ये थे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में हमेशा टू टाइप की वैरायटी बनती है, इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उनकी लाइफ सीडलिंग प्लांट से कम होती है। थर्ड एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का डिसएडवांटेज है कि जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने के लिए स्पेस चाहिए होती है और एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है, जैसे कि जीन बैंक, और ये एक्सपेंसिव मेथड है स्टोरेज करने के लिए। लेकिन सेक्सुअल प्रोपेगेशन में सीड्स को स्टोर करना इजी और चीप होता है। अब हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के कुछ मेथड को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग एसेक्सुअल मेथड का एग्जाम्पल है, जिसमें हम पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ को कट करके उसे सॉइल में लगा देते हैं और उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और इसके एडवांटेजेस हैं कि कटिंग एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का सबसे सस्ता मेथड है और इसमें स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ग्राफ्टिंग और बडिंग में हमें स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। और इसका सेकेंड एडवांटेज है कि हम बहुत ही कम टाइम पीरियड में प्लांट की 1 फीट से भी ज़्यादा हाइट देख सकते हैं और ये प्लांट इजीली ग्रो करता है। और कटिंग में हमेशा ट्रू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। अब हम कटिंग के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। कटिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। कटिंग में हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को कट करते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट या लीफ, और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में उन्हें ग्रोथ करते हैं।
और सूटेबल कंडीशन में वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कटिंग मोस्टली रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन में बेस्ट रहती है, क्योंकि रेनी सीजन में प्लांट को इनफ मॉइस्चर मिलता है जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। अब हम कटिंग के फर्स्ट टाइप को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मेनली थ्री टाइप्स की होती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग एंड सॉफ्टवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग सबसे सिंपलेस्ट और सस्ता मेथड है। इसमें हम मैच्योर शूट को कट करते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर्स की और उसे पोट में या फिर फील्ड में लगा देते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं रोज, बोगेनविला एंड ग्रेप्स। सेकंड टाइप इज सेमी हार्डवुड कटिंग। ये टेक्निक कॉमनली एवरग्रीन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम ऐसी शूट को कट करते हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जिसे 5 to 6 months की शूट और उसे हम कट करके फेवरेबल कंडीशंस में लगा देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्रोटोन, एरिलिया एंड हिबिस्कस। द थर्ड टाइप इज सॉफ्टवुड कटिंग। इसमें हम सॉफ्ट स्टेम को कट करते हैं और इसे लगाना इजी होता है। इसमें शूट की लेंथ होती है 7 to 12 centimeters और इसे लगाते समय उसकी लीव्स को हटाना नहीं चाहिए, लीव्स के साथ ही शूट लगाई जाती है। और इसके एग्जांपल हैं कॉलियस, बाल्सम, पाइलिया एंड ड्यूरेंटा। अब हम इस पिक्चर की हेल्प से कटिंग को अच्छे से समझते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है रूट कटिंग। रूट कटिंग मेथड में रूट को 5 to 10 centimeters तक कट किया जाता है और उसे अलग से लगाया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं लैगरस्ट्रोमिया, ब्लैकबेरी एंड मिलिंगटोनिया। इसके बाद आता है लीफ कटिंग। इसमें लीफ ब्लेड अलोन या फिर पेटियोल को एज अ न्यू प्लांट लगाया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं बेगोनिया, ब्रायोफिलम एंड पेप्रोमिया। इसके बाद आते हैं स्टेम कटिंग। इसमें आते हैं हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग एंड सॉफ्ट कटिंग। और इसके एग्जांपल्स हमने अभी देखे थे। आफ्टर कटिंग द नेक्स्ट टॉपिक इज लेयरिंग। लेयरिंग प्रोसेस में हम पेरेंट प्लांट की स्टेम को बिना कट किए उसे सॉइल में डीप कर देते हैं ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर की वजह से स्टेम में रूट डेवलप हो सके। और रूट डेवलप होने के बाद उसे पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है और उसे एक नया प्लांट बन जाता है। इसमें रूटेड स्टेम को लेयर बोला जाता है, इसीलिए इसी प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि सिंगल लेयरिंग जिसे हम टंग लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें शूट को सिर्फ एक जगह से सॉइल में दबा दिया जाता है, इसीलिए इसे सिंगल लेयरिंग कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं रास्पबेरी एंड ग्रॉसबेरी। इसके बाद आता है एयर लेयरिंग जिसे हम गूटी लेयरिंग भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं पोमग्रेनेट, लीची और जैकफ्रूट। इन प्लांट्स में हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं कंपाउंड लेयरिंग, इसे हम सरपेंटाइन लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें स्टेम को अलग अलग जगह से सॉइल में ब्यूरीड किया जाता है और जब रूट डेवलप हो जाती है तब उसे अलग अलग पार्ट्स में कट किया जाता है। इसका एडवांटेज है कि इसमें हम एक स्टेम से एक से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ग्वावा एंड ऑर्नामेंटल वाइन्स। इसके बाद आती है माउंट लेयरिंग, इसे हम स्टूल लेयरिंग भी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं ग्वावा और एप्पल। स्टूल लेयरिंग को क्लोनल मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर में हम सिंपल लेयरिंग जिसे हम टंग लेयरिंग भी बोलते हैं उसे देख सकते हैं। इसमें स्टेम को लेकर सिर्फ एक जगह से सॉइल के अंदर
दबा रखा है और वहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम जब रूट्स का फॉर्मेशन होता है तब उसे प्लांट से कट कर दिया जाता है, जिससे अलग अलग प्लांट्स बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्वावा। इसके बाद आती है कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में हम पेरेंट प्लांट की स्टेम को लेकर उसे अलग अलग जगह से सॉइल के अंदर दबा देते हैं, जैसे कि अल्टरनेट। और जब रूट्स डेवलप हो जाती है तब हम उसे पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। इसके बाद आती है एयर लेयरिंग, जिसे हम गुटी लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में एक बड के पास से स्टेम को लेकर उसके बार्क को हटाया जाता है, फिर उस पर सॉइल और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से उसे कवर कर दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उस पर रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तब हम उसे कट करके सॉइल में एज अ न्यू प्लांट लगा देते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं पोमग्रेनेट, लीची एंड जैक फ्रूट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेयरिंग। इसके बाद आते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ग्राफ्टिंग एक कला है जिसमें हम दो अलग अलग पौधों को एक साथ ज्वाइन करके एक नया प्लांट बनाते हैं। जैसे कि इसमें हम एक प्लांट की शूट को कट कर देते हैं और उसे शियोन बोलते हैं, और दूसरे प्लांट की रूट सिस्टम को लिया जाता है, जिसे स्टॉक बोलते हैं। और उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि अप्रोच ग्राफ्टिंग, जिसे हम इनआर्चिंग भी बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है मैंगो एंड ग्वावा। सेकेंड टाइप इज टंग ग्राफ्टिंग, इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल, पियर एंड वॉलनट। थर्ड टाइप इज वीनियर ग्राफ्टिंग, इसका एग्जांपल है मैंगो। और फोर्थ टाइप इज वेज ग्राफ्टिंग, और इसका एग्जांपल है वॉलनट एंड पीनट। एंड द लास्ट टाइप इज स्टोन ग्राफ्टिंग, इसका एग्जांपल है मैंगो। सो इस पिक्चर में हम ये देख सकते हैं, इसमें हमने स्टेम को लिया है जिसे हमने शियोन नेम दिया है, और एक प्लांट की हमने रूट सिस्टम को लिया है और उसे स्टॉक बोला है। उसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और उसे रैप्ड कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है बडिंग। बडिंग एक ग्राफ्टिंग का मेथड है जिसमें हम एक प्लांट की बड को लेते हैं और उसे ऐसे प्लांट्स में इंसर्ट कर देते हैं जिसकी दो नोड्स होती है, और उस नोड्स के बीच में हम उसे इंसर्ट कर देते हैं। और उसे इंसर्ट करने की एक स्पेशल टेक्निक होती है कि हम उसे ऐसे कॉन्टेक्ट में करें जैसे कि उस प्लांट का कैम्बियम इससे कनेक्ट हो सके और वो प्रॉपरली यूनाइट कर सके। यानी कि बडिंग एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम स्टॉक और बड को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि टी बडिंग, जिसे हम शील्डिंग बडिंग भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं ऑरेंज एंड रोज। सेकेंड टाइप इज पैच बडिंग, इसका एग्जाम्पल है बेर। थर्ड टाइप इज फ्लूट बडिंग, इसका एग्जाम्पल है बेर। फोर्थ इज रिंग बडिंग। फोर्थ टाइप इज रिंग बडिंग, इसके एग्जाम्पल्स हैं आंवला एंड जैक फ्रूट। फिफ्थ इज चिप बडिंग, इसका एग्जाम्पल है रबर एंड ग्रेप। सिक्स्थ इज फोरकट बडिंग, इसका एग्जाम्पल है मैंगो। सो इस पिक्चर में हम बडिंग देख सकते हैं। इसमें हमने एक प्लांट की बड को कट करके उसे दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपगेशन मेथड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।